समाज कल्याण विभाग के तत्वाधान में मंडलीय स्तर पर आयोजित होने वाली राष्ट्रीय आश्रम पद्धति विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मंडल के 3 जिलों से आए 150 से अधिक खिलाड़ियों ने इस खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया। सर, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय टोरा में संचालित है, जनपद आगरा के अंतर्गत। यहाँ पर आज जो है मंडलीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। मैं अवगत कराना चाहूँगा आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से जन सामान्य को कि ये 80s में जो हमारा आश्रम पद्धति विद्यालय है, यह पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरीय पदक जीतने वाला जो है आश्रम पद्धति विद्यालय। किस तरीके के खेल प्रतियोगिता इसमें की जा रही है? इसमें देखिए कबड्डी है, रस्साकसी है, बैडमिंटन है, इस तरह के कुछ खेल हैं जो बहुत पॉपुलर और लोकप्रिय खेल हैं, तो उस तरह के खेल इसमें रखे गए हैं। टोटल 10 खेल इसमें रखे गए हैं, जिसके तहत अभी उसका आयोजन हमारे आश्रम पद्धति विद्यालय में किया जा रहा है। और जिला स्तरीय ये प्रतियोगिता रखी गई है, मंडल स्तरीय इसमें प्रतियोगिता? ये मंडल स्तरीय प्रतियोगिता सर, जिसमें हमारे 3 जनपदों में, मंडल में 4 जनपद हैं, उसमें 3 जनपदों में हमारे आश्रम पद्धति विद्यालय समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित है, जिसमें मैनपुरी से 1 ETS विद्यालय है और 2 विद्यालय हमारे फिरोजाबाद से हैं और 1 स्थापित है हमारा इटौरा आगरा में। लगभग कितने बच्चे इस प्रतियोगिता में? लगभग इसमें 150 बच्चे हमारे प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। और मैं यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे ATS इटौरा आश्रम पद्धति विद्यालय इटौरा में लगभग 50 से अधिक खिलाड़ी राष्ट्रीय खेलों में खेल चुके हैं और जिसमें 20 से अधिक खिलाड़ी पदक जीतकर विद्यालय का नाम रोशन कर चुके हैं। और मुझे यह कहते हुए गौरव का अनुभव हो रहा है कि हमारे विद्यालय के 2 खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी भाग ले चुके हैं। साथ ही पिछले वर्ष हमारा एक बड़ा ही होनहार बच्चा रहा चेतराम सिंह, वो एशिया में एशिया खेल उसमें स्वर्ण पदक जीतकर उसने इतिहास रचा है। और प्रतियोगिता सर कितना लाभदायक है? निश्चित रूप से देखिए, जितने भी हमारे प्रदेश में आश्रम पद्धति विद्यालय समाज कल्याण द्वारा संचालित है, उसमें खेलों के दृष्टिगत ये सर्वश्रेष्ठ हमारा जो है एक ATS आश्रम पद्धति विद्यालय है, जो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन सदैव करता रहा है। अभी 2 बार नेशनल पदक और सांसद प्रतियोगिता के अंतर्गत एक बच्चा हमारा लवकुश है, उसने स्वर्ण पदक जीता है, तो ये एक बहुत ही अच्छा एफर्ट्स हमारे बच्चों का रहा है। आज की प्रतियोगिता में विजेता छात्र को क्या किस चीज से पुरस्कार? देखिए, उनको मेडल दिया जाएगा, एक प्रशस्ति पत्र भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनको देंगे, सम्मानित करेंगे।